हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वेदर इट्स द बेस्ट ऑफ द टाइम्स और द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। इट्स द ओनली टाइम वी हैव गॉट, यानी कि चाहे परिस्थितियाँ अच्छी हों, चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आपके पास यही समय है ना। एक्स्ट्रा टाइम तो है नहीं आपके पास कहीं भी। अगर सपोज करो हम लोगों की जॉब की एज होती है, जैसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको देने की 27 मैक्स टू मैक्स 30 तक की एज होगी, राइट। और अगर कोई जैसे कुछ जिनको रिजर्वेशन मिलता है उस फील्ड से होंगे तो उनको 4-5 साल 6 साल की और रिलैक्सेशन मिल जाएगी, राइट। लेकिन 40 के बाद में तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो वो 40 तक का आपका समय चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, 30 तक का आपका समय अच्छा था बुरा था, लेकिन आपको जो भी करना है वो उसी समय में करना है, राइट। उसके बाद के समय में तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उसके बाद के समय में तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे पाएंगे, राइट। तो चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, परिस्थितियां अच्छी हो बुरी हो, आपके पास यही समय है जिसको आपने अपने अनुकूल बनाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द ईसीआई शुड डू एवरीथिंग टू रीइन्फोर्स पीपल्स फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। रीइन्फोर्स मतलब मजबूत करना। तो बोल रहे ईसीआई, ईसीआई क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उनको हर एक संभव प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास जो है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर बना रहे। अ टोटल ऑफ 58 लोकसभा सीट्स इन 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वोटेड ऑन सैटरडे। शनिवार को वोटिंग हुई, 58 लोकसभा सीटों पर वोट हुई, 8 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर में शनिवार को। इन द सिक्स्थ एंड पेनल्टीमेट फेज, किसमें सिक्स्थ स्टेज थी और पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट होता है अंतिम से जस्ट पहले वाली, ठीक है। तो इस फेज में हुआ ऑफ जनरल इलेक्शंस 2024, ठीक है। विद दिस पोलिंग हैज बीन कंप्लीटेड इन 28 स्टेट्स, और इसी के साथ में 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पोलिंग कंप्लीट हो चुकी है इन 486 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। वोटिंग इज ऑल्सो ओवर फॉर 105 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ ओडिशा, और ओडिशा के 105 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। द लास्ट फेज ऑफ पोलिंग विल बी ऑन June 1st, जो अंतिम चरण होगा चुनाव का वो होगा June 1st को फॉर द रिमेनिंग 57 सीट्स। बाकी की जो लास्ट बची हुई 57 सीट्स हैं एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स विल टेक प्लेस ऑन June 4th उनके लिए, और 4 June को वोट की काउंटिंग होगी। स्पोरैडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस वर रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। स्पोरैडिक मतलब छुटपुट, तो छुटपुट घटनाएं, वायलेंस की घटनाएं रिपोर्ट की गई वेस्ट बंगाल से, विच ऑल्सो रिपोर्टेड द हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज एट 79.47। और यही वेस्ट बंगाल वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया, 79.47%, ठीक है। ये सबसे ज्यादा आंकड़ा कहाँ का रहा, वेस्ट बंगाल का अभी तक का। अंतिम चरण में हो सकता है कुछ ज्यादा कहीं पे देखने मिल जाए, बट वेस्ट बंगाल का पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अभी तक की हाईएस्ट पोलिंग हुई है। इन जम्मू एंड कश्मीर द अनंतनाग राजौरी सीट रिकॉर्डेड अ टर्नआउट ऑफ 54.30%। बोल रहे हैं वही जम्मू और कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पे सबसे ज्यादा 54.30% का टर्नआउट देखा गया, जो कि अभी तक इस स्टेट में इस सीट के ऊपर सबसे ज्यादा है, ठीक है। एन इम्प्रेसिव हाई, बहुत हाई है। अर्बन एपैथी कंटिन्यूड इन दी 7 सीट्स ऑफ दिल्ली विच वेंट टू द पोल्स विद जस्ट 57.67%। बोल रहे हैं कि अर्बन एपैथी, एपैथी मतलब होता है कि उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो अर्बन इलाकों में जो लैक ऑफ इंटरेस्ट देखा जा रहा था, अभी तक कई इलाकों में पोलिंग 0% हो रही है, बहुत कम परसेंटेज निकल कर आ रही है, तो वो हमें दिल्ली की 7 सीटों में भी देखने मिली, जहां पे पोल्स केवल 57.67% पड़े ऑफ द इलेक्ट्रेट टर्निंग आउट टू वोट, ठीक है। इतने ही लोग वोट करने आए। द सियरिंग हीट वेव प्रिवेलिंग इन नॉर्थ इंडिया डिड नॉट हेल्प मैटर्स। और बोल रहे हैं कि जाहिर सी बात है, पहले ही लोगों का इंटरेस्ट कम है और ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप है, इतनी ज्यादा गर्मी है, हीट वेव चल रही है, तो उससे और ज्यादा मदद नहीं मिली, मतलब उसने और ज्यादा नुकसान किया।
The Election Commission of India released for the first time in this general election the absolute number of votes cast in each constituency for the first five phases. पूरे पहली दफा Election Commission of India ने क्या किया है किसी general election में absolute number of votes हर एक constituency wise बताए हैं कि इतने number of votes cast किए गए हैं पिछले पांच चरणों में. The ECI came out with the data a day after the Supreme Court of India refused to direct the commission to disclose details of Form 17C. और ECI ने ये data तब जाहिर किया जब Supreme Court ने मना कर दिया इस commission को निर्देश देने से कि भाई वो disclose करे Form 17C की details disclose करे which contains this data at the booth level. और इस 17C form में क्या होता है अभी तो constituency level बताया गया कि हाँ इतनी voting हुई है इतने number of vote डले हैं लेकिन इस 17C फॉर्म के तहत बूथ लेवल पे हर एक इंडिविजुअल बूथ पे कितनी वोटिंग हुई है वो बताया जा सकता था उसका डेटा था एंड इज हैंडेड आउट टू ऑल द पोलिंग एजेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स और हर एक कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट को ये डेटा दिया जाना था ठीक है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. द ईसीआई हैज अलेज्ड inappropriately there to be a pattern of false narratives and mischievous design to vitiate electoral process. बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है inappropriately मतलब जो सही नहीं है invalid तरीके से एक apt तरीका नहीं है उसके तहत बहुत सारे ऐसे false narratives क्या होते हैं कि मनगढ़ंत कुछ कहानी चलाई जा रही है मनगढ़ंत कुछ बातें कही जा रही हैं तो false narratives चलाए जा रहे थे और mischievous design यानी कि कुछ शरारतें design की गई थी to vitiate मतलब भ्रष्ट करना corrupt करना इस electoral प्रक्रिया को खराब करने के लिए corrupt करने के लिए कुछ गतिविधियां की जा रही थी. It is true that concerns have been raised by several actors about the process. बोल रहे हैं कि ये बात सच है कि concerns चिंताएं उठाई गई हैं कई जगहों पे एक व्यक्ति 8-8 बार वोट करता दिखाया जा रहा है कई जगहों पे कोई व्यक्ति अपने बच्चे को लेके जा रहा है और वोट कर रहा है वीडियो बना के दिखा रहा है और कई पे कोई जो वोटिंग एजेंट है वो खुद ही जाके बटन प्रेस कर रहे हैं सबका ठीक है. तो ऐसे कुछ वीडियोज आई कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई तो बोल रहे कि कंसर्न्स वाकई में उठाए गए कई लोगों द्वारा इलेक्टोरल प्रक्रिया के लिए एंड इट इज पॉसिबल दैट अ पार्ट ऑफ इट कुड बी ड्यू टू इग्नोरेंस और बोल रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है इनमें से कुछ चीजें सही हो ये भी पॉसिबल है कि इग्नोरेंस की वजह से कुछ चीजें सही हो और इवन आउट ऑफ मिसचीफ या फिर कई ऐसे भी होते हैं कई ऐसी भी चीजें होंगी जो केवल शरारत की तौर पे की गई होंगी यानी कि किसी ने फेक वीडियो बना दिया या अब एआई जनरेटेड तो हर चीज बनी रही है तो ऐसा कुछ हो गया तो ये भी हो सकता है कि गलत हो या फिर किसी ने ऐसी नकली पोलिंग बूथ बना के वहां पे केवल वीडियो बनाने के चक्कर में वो चीज बना के दे दी हो ठीक है. तो दोनों संभावनाएं हैं पॉसिबल. अ मैच्योर एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड ऑफ द बॉडी दैट इज टास्क्ड विद ओवरसीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज ऑन द प्लैनेट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक दैट रिमूव्स सच कंसर्न्स. लेकिन अगर हम एक मैच्योर देखो कोई भी मैच्योर व्यक्ति है उससे अगर सूझबूझ भरा हम जवाब चाहेंगे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स चाहेंगे तो वो यही माना जा रहा था कि भाई एक ऐसी संस्था जो दुनिया के इस प्लैनेट के हमारी धरती के इतने बड़े डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उसके ऊपर निगरानी रख रही है उसका उसकी जिम्मेदारी है उसको देखना संभालना संचालित करना तो उस ऑर्गेनाइजेशन से उस संस्था से उम्मीद की जा रही थी कि भाई वो जनता के सामने आते और जनता को सही इन्फॉर्मेशन देते जिसके जरिए जनता का जो है विश्वास इस प्रक्रिया पर बना रहता. द कमीशन अपोज द डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C इन द सुप्रीम कोर्ट. तो बल्कि हुआ क्या कमीशन ने 17C फॉर्म का डिस्क्लोजर जो है वो अपोज किया मना किया कि हम नहीं करना चाहते ऑल द वाइल इंसिन्यूएटिंग एट अ कॉन्स्पिरेंसी टू विशिएट द इलेक्टोरल प्रोसेस और वो भी तब पूरी तरह से इशारा करता है जब पहले ही इस पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर साजिश होने की संभावनाएं या आरोप या प्रभाव ऐसा दिखाया जा रहा है ठीक है. उस समय पे अगर इलेक्शन कमीशन इस तरीके से मना करता है कि नहीं नहीं हम तो ये ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं. कंप्लेन्स ब्रॉट टू इट्स अटेंशन बाय एनीवन शुड बी एड्रेस्ड इन अ मैनर दैट बिहेव्स अ रोबस्ट डेमोक्रेसी. अब बोल रहे हैं कि कोई भी कंप्लेन्स किसी के भी द्वारा अगर
रेज की जाती हैं, तो उनको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए था, इस तरीके से उनको डील करना चाहिए था जिससे कि बिहोव्स मतलब उपयुक्त होना, और रोबस्ट मतलब मजबूत डेमोक्रेसी, जो कि एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए उपयुक्त होती, यानी कि ये इशारा करती कि वाकई में हमारी डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत है और ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही हो रही है, तो ऐसा उनको जवाब देना चाहिए था। इट इज इंडीड द ड्यूटी ऑफ द ECI टू इंश्योर दैट द इलेक्टोरल प्रोसेस इज नॉट विशिएटेड। बोले जाहिर तौर पे ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है किसी भी तरीके से इसमें कोई भ्रष्ट नहीं किया गया है, इसको किसी भी तरीके से करप्ट नहीं किया गया है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ये इंश्योर करना, सुनिश्चित करना जो है इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। एंड द बेस्ट वे टू अचीव इट टू इंश्योर इज टू इंश्योर द मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल। और जो सबसे सटीक तरीका, बेस्ट तरीका इस चीज को सुनिश्चित करने का है वो यही है कि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी बनाई रख जाए जाती एडमिनिस्ट्रेटिव के तरीके से, मतलब जो ये ECI है इसके लेवल पे मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी बनाई जाती है, यानी कि जहां पे भी आरोप लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ आप सबूत लाओ कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, ये है सबूत, ये रही ट्रांसपेरेंसी हमारी तरफ से, ये रहा हमारा सबूत, ऐसा नहीं हुआ, तो ये सबसे बेस्ट आंसर होता। फिर इलेक्शन प्रक्रिया के ऊपर सवाल ही उठते, लेकिन मौन धारण करके बैठ जाना कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमने तो दही जमा लिया मुंह में, हम नहीं जवाब देंगे, आपको जो बोलना बोलते रहो, तो ये एग्जाम्पल नहीं सेट करता ना कि भाई आप सही हैं, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से हो रही है। ठीक है, ये राइटर कह रहे हैं द ECI हैज डन वेल बाय पब्लिशिंग द डेटा ऑन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स। बोल रहे हैं ये अच्छा काम किया उन्होंने कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स का उन्होंने डेटा पब्लिश किया, ये ECI ने बहुत अच्छा काम किया। एंड इट कुड प्रोएक्टिवली लुक फॉर मोर मेजर्स दैट कुड री इन्फोर्स पब्लिक फेथ इन द प्रोसेस एंड इन इट्स ओन इंटीग्रिटी। और ये प्रोएक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से, ठीक है, क्या करें, और ज़्यादा ऐसे मेजर्स, और ज़्यादा ऐसे प्रयास लगाएं, और ज़्यादा ऐसे जरिए ढूंढें जिनसे कि जनता का भरोसा जो है इस प्रक्रिया पे बना रहे और इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता के ऊपर जनता का भरोसा बना रहे कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा, ये विश्वास भी जनता में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था पैसेज। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश की गई है, कुछ उन्होंने जो आंकड़े पब्लिश किए हैं उनके जरिए से और जो अभी तक प्रक्रिया चल रही है उसके हवाले से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट शुड द ECI डू फर्स्ट टू रीइन्फोर्स पब्लिक फेथ इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, कि सबसे पहले उनको क्या काम करना चाहिए कि लोगों का विश्वास जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में बना रहे। तो यही बोला ना कि उनको ट्रांसपेरेंसी बनानी चाहिए, उनको प्रोएक्टिवली ऐसे कदम उठाना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी बने रहे और जनता का विश्वास उनके ऊपर भरा रहे। ठीक है, द ECI शुड पब्लिश द डेटा ऑन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स एंड लुक फॉर मोर मेजर्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक फेथ। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ECI शुड एड्रेस कंप्लेंट्स ब्रॉट टू इट्स अटेंशन बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन द डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्राइवेट भी रखने जा सकते हैं और उसके बजाय भी वो ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो 17C डिस्क्लोज करेंगे तभी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी लाने के जो एक पोलिंग वोटर कितना टर्नआउट हुआ है, ये जो इन्होंने डेटा पब्लिश करा है, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, और बाकी जो कंप्लेन्ट्स आ रही हैं उनको एड्रेस करना भी अच्छा एक जरिया हो सकता था। ठीक है, The ECI should appropriately respond to concerns raised by public by alleging a pattern of false narratives and mischievous designs to vitiate the electoral process. तो देखो ये घटनाएं हुई हैं, है ना, लेकिन उनका जवाब है वो जाहिर तौर पे inappropriate, लेकिन उससे तो जनता का विश्वास नहीं बन सकता ना। सबसे पहले तो उनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी तभी जनता का विश्वास बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। Based on the passage, what can be inferred as the primary reason for the ECI to ensure transparency in the electoral process? क्या मुख्य कारण है कि ECI को electoral process में transparency बनानी चाहिए? क्यों बनानी चाहिए? ताकि जनता का जो विश्वास है वो बना रहे उनके ऊपर, ठीक है, उनकी जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर विश्वास बना रहे। टू एड्रेस एंड मिटिगेट कंसर्न्स रेज्ड बाय सेवरल एक्टर्स अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस वेदर ड्यू टू इग्नोरेंस और मिसचीफ। बोल रहे हैं कि चाहे शरारती तत्वों की वजह से, शरारत के
हवाले से, चाहे इग्नोरेंस के हवाले से, लेकिन जो भी कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं किन्हीं भी लोगों के द्वारा इलेक्टोरल प्रक्रिया को, उसको एड्रेस करने के लिए ये जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी बनाई जाए। तो उनको एड्रेस करना ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड नहीं है, उनको एड्रेस करना जो है वो उसका रेजोल्यूशन है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी बनाना जो वो जरूरी इसलिए है ताकि उनके ऊपर विश्वास बने, ठीक है, प्रक्रिया के ऊपर विश्वास हो। द काउंटर एलिगेशंस एंड इंसिनुएशंस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू विशिएट द इलेक्टोरल प्रोसेस बाय एक्सटर्नल एक्टर्स इनकरेक्ट है। टू री इन्फोर्स पब्लिक फेथ इन द प्रोसेस एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज ऑन द प्लैनेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following states or union territories reported the highest polling percentage in sixth phase of general election 2024? तो West Bengal का नाम आया ना कि कुछ छुटपुट घटनाएं भी हुई but still उनका सबसे ज्यादा polling percentage रहा। Odisha with a notable turnout of 155 assembly constituencies, incorrect है। जम्मू एंड कश्मीर विद दी अनंतनाग राजौरी सीट रिकॉर्डिंग द हाई टर्नआउट, इनकरेक्ट है। यहाँ पे इस स्टेट का हाई टर्नआउट हो सकता है, इस सीट का हाई टर्नआउट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इंडिया का हाईएस्ट टर्नआउट नहीं है। दिल्ली डिस्पाइट अर्बन अपैथी एंड लोअर टर्नआउट ड्यू टू सियरिंग हीट वेव्स, तो लोअर टर्नआउट की वजह से पिछले रिकॉर्ड से भी कम यहाँ पे वोटिंग हुई है। वेस्ट बंगाल डिस्पाइट स्पोरैडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, वेस्ट बंगाल जिसमें छुटपुट घटनाओं के बावजूद भी अच्छी खासी परसेंटेज में लोगों ने वोट किया है। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो पैसेज की टोन देखो ऑप्टिमिस्टिक, कुछ पॉजिटिव यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम हमारे देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, एक प्रोसेस चल रही है, इलेक्शन जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर निगरानी रखने वाले अगर कोई संस्था है और उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो उसमें ऑप्टिमिज्म कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे राइटर बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कड़े हाथों लिया है तो उन्हें क्रिटिसाइज किया है। सो ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The challenges faced by voters during election. तो हमने voters के challenges की बात नहीं करी but election commission of India का free and fair होना कितना जरूरी है उसके ऊपर बात करी। The role of election commission of India in ensuring free and fair elections. Option B is correct. मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स फ्रॉम मुस्तफा। अब आप कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आपके जॉब ज्वाइन करी है और आपने कोई अमित नाम के व्यक्ति से चार्ज लेना है, तो चार्ज जब आप लेते हैं तो आप क्या करते हैं, टेक ओवर, क्या करते हैं, टेक ओवर, राइट, टेक ओवर चार्ज, ही इज अबाउट टू टेक ओवर द चार्ज फ्रॉम अमित, राइट। तो आपने अमित से चार्ज लेना है, तो यहां पे उसने लिया, पास्ट की घटना, तो क्या हो जाएगा, टुक ओवर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टेक आउट मतलब बाहर निकालना, टुक आउट मतलब बाहर निकालना, टुक थ्रू इनकरेक्ट है, टुक ऑफ इनकरेक्ट है, और टेक ओवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अंडर द क्लाउड, इस ईडीएम का हमें मीनिंग बताना है करेक्टली कौन से स्टेटमेंट में दिया गया है। तो पहली बात तो अंडर द क्लाउड का मतलब क्या होता है, अंडर द क्लाउड का मतलब होता है आशंका में होना, सस्पिशन में होना। द क्लासमेट वर डांसिंग टुगेदर अंडर द रेन, तो बारिश के नीचे डांस करने को अंडर द क्लाउड नहीं कहा जाता, इनकरेक्ट है। द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशन आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार, तो किसी के ऊपर संदेह करना, आशंका में होना, दैट मीन्स अंडर द क्लाउड, यानी कि वो ड्राइवर जो है वो अंडर द क्लाउड था जब पुलिस को उसकी गाड़ी के अंदर खून के धब्बे मिले, तो ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बजरंग इज एन एक्सट्रीम पेन इन हिज टीथ, जब तो आपको आपके दांत में दर्द हो रहा है आप बोलोगे आई हैव अ टूथेक, ठीक है, एक मतलब दर्द होना, लेकिन बहुत भयानक दर्द हो रहा है, एक्सट्रीम पेन हो रहा है, तड़प रहा है बंदा दर्द से, दैट मीन्स एग्नी, ही इज इन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जब है एक्सट्रीमनेस बताता है एग्नी से, ठीक है, ही इज इन एग्नी इन हिज टीथ, सो ही इज इन एग्नी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। He is in hurt, hurt के साथ में in नहीं आएगा, He is in sting नहीं होगा, ठीक है। Nocturnal, nocturnal का मतलब होता है रात में चढ़ने वाला निशाचर, right? Incorrectly spelled word बताना है, तो इसके spelling correct है। Repulsive, repulsive मतलब पीछे धकेलना, किसी से घृणा करना, किसी से पीछे हट जाना, like उसको पसंद नहीं करना, तो repulsive की spelling incorrect है। repulsive, repulsive, option B is correct। Scoreboard, जिसके ऊपर score लिखा जाता है, irrespective, यानी कि बजाय इसके, इसके बावजूद, ठीक है,
सो ऑप्शन बी रिपल्सिव इज करेक्ट. हिमांशी इज प्रिपेयरिंग कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स फॉर सरप्राइजिंग मेहुल ऑन हिज रिटायरमेंट बट द डेट इज नॉट सर्टेन येट. अब यहां पे हमें अनश्योर का एंटोनिम बताना है. अनश्योर मतलब अनसर्टेन, अनसर्टेन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सर्टेन, सुनिश्चित. ठीक है, अनश्योर का मतलब जो चीज असुनिश्चित है, राइट. तो सर्टेन तो सुनिश्चित होता है, राइट. सो ऑप्शन बी सर्टेन इज करेक्ट. He was acquitted of all the charges in the court today. Acquitted का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, बाइज्जत बरी करना. अब इसका एंटोनिम क्या होएगा, दोष उसके ऊपर होना, कन्विक्ट होना, राइट. कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है. डिस्चार्ज मतलब मुक्त कर देना, छोड़ देना. प्रेज्ड तारीफ करना. और कन्विक्टेड मतलब दोषी ठहराना. तो यहाँ पे ऑप्शन डी कन्विक्टेड इज करेक्ट. हर मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का हमें एंटोनिम बताना है. मॉडेस्ट बिहेवियर वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन इन द असेंबली. अब देखो, मान लो आपको मॉडेस्ट का मतलब नहीं पता, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि सबके द्वारा अप्रिशिएट किया जा रहा है, यानी कि प्रशंसा की जा रही है, दैट मीन्स अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोई एस्पेक्ट. डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब दूर. अनप्रिज्यूमिंग मतलब अभिमान रहित. कंसीटेड मतलब अभिमानी. ऑब्वियस मतलब स्पष्ट. तो अभिमान जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ना. सो ऑप्शन सी कंसीटेड इज करेक्ट. शी लुक्ड डैश ल्यूमिनस इन द डायमंड नेकलेस. वो डायमंड नेकलेस में बहुत चमक रही थी, ग्लो कर रही थी. तो ल्यूमिनस का सिनोनिम क्या आएगा, सबसे पहले है इम्प्यूडेंट. इम्प्यूडेंट का मतलब होता है दूसरे किसी व्यक्ति को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देना. ठीक है. स्ट्रिडेंट मतलब कठोर. ट्रांसेंडेंट मतलब कि बहुत ही ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी का. और रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट मतलब चमकदार. तो ल्यूमिनस मतलब भी चमकदार ग्लो करना, और रेस्प्लेंडेंट मतलब भी चमकदार ग्लो करना. ऑप्शन डी इज करेक्ट. वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत रेयरली कोई घटना होती है, बहुत कभी कभार होने वाली घटना. ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून. सो वेरी रेयर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Who teaches her geography? उसको geography कौन पढ़ाता है. तो who के साथ में by whom आ जाएगा, by whom. अब teaches है, पढ़ाता है, so क्या आएगा, अभी जो पढ़ा रहा है ना, is she taught geography. ठीक है, by whom, by who नहीं आएगा, by whom आएगा. by whom she is taught geography, is she taught geography. option C is correct. बिकॉज ऑफ द रीजन स्कॉर्चिंग हीट एंड एरिडिटी. एरिडिटी मतलब खुश्क, सूखापन, ड्राइनेस. तो बोल रहे कि इस रीजन में बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से और एनवायरमेंट में शुष्कता होने की वजह से, खुश्की होने की वजह से, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर एवेपोरेट्स. बहुत भारी संख्या में पानी जो है एवेपोरेट हो जाता है. अब द रीजन बोल रहा है, कौन सा रीजन हमें पता ही नहीं. द रीजन बोला मतलब रीजन जिसके बारे में पहले डिस्कस किया होगा. तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. यहां पे कहीं पे भी ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है. एज ए रिजल्ट, अब किसी चीज का रिजल्ट आ रहा है. चलो देखो, यहाँ पे सब में पहले डी ही ऑप्शन फर्स्ट है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. एज ए रिजल्ट बोलते, इसके रिजल्ट के स्वरूप द सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स बिकम इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड. तो इसके परिणाम स्वरूप सॉल्ट और जो बाकी मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उनमें पानी कम होगा और बाकी मिनरल ज्यादा मात्रा में होंगे. इट इज देन अनेबल टू एग्जिट द लेक एंड इज फोर्स टू इवेपोरेट. और इसके बाद वो इस लेक से बाहर नहीं जा पाता और फिर वो भाप बन जाता है. तो पानी की बात करेंगे. द डेड सी इज वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट विद अबाउट 10 टाइम्स द सॉल्ट कंटेंट ऑफ टिपिकल सॉल्ट वाटर. तो डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई डेड सी की बात करें तो डेड सी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी है पूरे प्लैनेट पे, और इसमें किसी भी नॉर्मल टिपिकल सॉल्ट वाटर से 10 गुना ज्यादा सॉल्ट है. ठीक है, अब क्यों है. दिस इज बिकॉज वाटर फ्लोज इन टू द डेड सी फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी ट्रिब्यूटरी द जॉर्डन रिवर. क्योंकि इसकी केवल एक ही ट्रिब्यूटरी है जॉर्डन रिवर, और उसमें से ही पानी अंदर आता है. ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट. फिर लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता.
पानी बाहर नहीं जा पाता, इट इज देन अनेबल टू एग्जिट द लेक एंड इज फोर्स टू वेपोरेट, और वो भाप बन के उड़ने पे मजबूर होता है, जब तक वो भाप बन के उड़ेगा नहीं तब तक वो वहीं पे ट्रैप्ड रहेगा। अब क्योंकि इस इलाके में इतनी ज्यादा गर्मी है और मौसम में एनवायरमेंट में इतनी शुष्कता है, तो बहुत भारी मात्रा में पानी जो है इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो अब देखो पानी इवेपोरेट हो गया, पहले का सॉल्ट कंटेंट वहीं रह गया, और जॉर्डन रिवर से पानी आया और सॉल्ट लेकर आई, फिर पानी इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट वहीं रह गया, तो सॉल्ट बढ़ता जा रहा है, पानी उड़ता जा रहा है, राइट। और फिर लास्ट में आ गया बी, तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन गया, डी ई सी ए बी, डी ई सी ए बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बॉक्साइट इज यूज एज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कि बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन के लिए सबसे मुख्य रॉ मटेरियल के तौर पे। तो हम समझ पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन की प्रक्रिया शायद बता रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है बॉक्सर, बॉक्साइट का इस्तेमाल, सो ये फर्स्ट पॉइंट होगा। प्रेसिपिटेशन इज अ प्री फाइनल स्टेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन जो है वो प्री फाइनल, यानी कि फाइनल से जस्ट पहले वाली स्टेज है, जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन से जस्ट पहले वाली स्टेज है। सोडियम एलिमिनेट इज रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, तो जब बॉक्साइट का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के तौर पर करेंगे उसके बाद ही सोडियम एलिमिनेट एक्वायर होगा, ठीक है। तो सी हमारा सेकेंड पॉइंट होगा। द स्मेल्टिंग प्रोसेस एक्चुअली एक्सट्रैक्ट्स एल्यूमिनियम एज अ फाइनल प्रोडक्ट, अब ये फाइनल है तो फाइनल से पहले प्री फाइनल होगा, यानी कि बी थर्ड पॉइंट और डी हमारा फोर्थ पॉइंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। शी डैश फ्रॉम वन साइड टू अदर टेकिंग केयर नॉट टू डिस्ट्रॉय द लवली फ्लावर्स इन द गार्डन, बोल रहे हैं वो एक साइड से दूसरी साइड घूम रही थी और वो ये सुनिश्चित कर रही थी कि वो गार्डन में जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय ना करे। अब शी अगर लिखा है तो ये एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे आता है उसकी रिपीटेशन को हटाने के लिए, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट जो पैसेज है कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। कैरन took a stroll in a lovely garden full of tulips and butterflies, तो वो एक गार्डन में घूम रही थी, took a stroll मतलब घूमना टहलना, तो कैरन जो है वो एक लवली सुंदर से गार्डन में जो कि ट्यूलिप्स और बटरफ्लाई से भरा हुआ था उसमें घूम रही थी, ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यही शी है, यहाँ पे शी बोला गया तो यानी कि यही शी है, राइट। उसके बाद शी डिस्कवर्ड अ स्विंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्री ब्रांचेस बिहाइंड अ लार्ज बुश, उसने एक बहुत बड़ी सी झाड़ियों के पीछे बड़े से ट्री ब्रांचेस से बना हुआ एक स्विंग उसको मिल गया, नेचुरली कंस्ट्रक्टेड स्विंग मिल गया। कैरन वेंट ऑन टू द स्विंग विदाउट हेजिटेशन एंड बिगैन स्विंगिंग, अब देखो पहले स्विंग मिला होगा तभी वो स्विंग पे झूलने जाएगी ना, ऐसा तो नहीं कि पहले वो स्विंग पे झूलने चलेगी उसके बाद उसको स्विंग मिला, पहले स्विंग मिला, यानी कि सी स्टेटमेंट जो है वो डी से पहले आएगा, सी उतना उसको पहले मिला और डी में फिर वो झूलने चलेगी उसके ऊपर। अब देखो हमारे पास दो यहाँ पे हिंट्स मिल गए कि बी एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सी के बाद में डी, तो बी फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। सी के बाद में डी आ रहा है, यहां पे डी सी से पहले आ रहा है, यहां पे डी सी से पहले आ रहा है, दोनों एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो इतना इजी हो गया, आपका टाइम कितना बच गया। तो बोल रहे हैं कि वो स्विंग पे चली गई बिना किसी झिझक के और वहां पे झूलने लगी, कॉजिंग द विंड टू डिशेवल हर हेयर, और जिसकी वजह से उसके बाल जो है हवा में लहरा रहे थे। द स्मॉल गर्ल एडोर्ड द आउटडोर्स एंड रेलिश द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू हर ईयर्स, तो उसको बहुत पसंद आया बाहर का जो वातावरण था घूमने का, और जिस तरीके से ठंडी ठंडी हवा उसके बालों से जा रही थी वो उसको बहुत पसंद आया, ठीक है। तो बी ई ए सी डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Who broke my glasses? मेरे glasses किसने तोड़े? तो by whom were my glasses broken? ठीक है? Who had broken नहीं आएगा? Who is breaking? अभी नहीं break कर रहे, past की घटना है ना, तो by whom were my glasses being broken नहीं आएगा, तोड़े अभी नहीं जा रहे ना, जिस टाइम में वो देख रहा था बोल रहा था उस टाइम नहीं तोड़े जा रहे थे, by whom were my glasses broken? क्योंकि वो जो घटना है वो complete हो चुकी है, so option D is correct. हर डुअल एटीट्यूड मिसगाइड्स एवरीवन, अब यहाँ पे डुअल जो है वो इनकरेक्टली है स्पेल्ट है, डुअल मतलब दोहरा चरित्र, दोहरा एटीट्यूड, दोहरा, तो दोहरा के स्पेलिंग होते हैं डी यू ए एल, डुअल, ठीक है, तो डी ए यू एल नहीं होगा, डी ई यू एल नहीं होगा, डी यू ए एल होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पोस्टर्स आर डैश टू प्रमोट अ ब्रांड और पास डैश इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बोल रहे पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो पोस्टर्स आर यूज्ड हो सकता है, पोस्टर्स आर यूज्ड टू
टू किस चीज के लिए? प्रमोट अ ब्रांड, किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या पास इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि पीस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है या फिर पास ऑन इन्फॉर्मेशन हो सकता है. तो दे कैन बी यूज फॉर डैश पर्पसेस. तो अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किएंगे, क्योंकि रेंज बोला गया है, तो रेंज मतलब बहुत सारे विविध पर्पसेस के लिए. तो वेरिड पर्पसेस हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम टेलिंग पीपल टू बी कॉशियस एज द फ्लोर इज वेट टू इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द अपकमिंग सेल और इवेंट. यानी कि अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि आगे फर्श गीला है, ये बताने के लिए लोगों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आप सावधान रहिए आगे फर्श गीला है, संभल के चलना, ठीक है. या फिर सेल आने वाली है, या कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, या किसी शोरूम में सेल लगी हुई है, ये चीजें बताने के लिए, कोई नया शोरूम खुला है, ये बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. दे यूजुअली इंक्लूड अ पिक्चर, इसमें आमतौर पे एक पिक्चर होती है विद वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत थोड़े से शब्दों के साथ में. अ सूटेबल डैश मेक्स अ पोस्टर इफेक्टिव एंड मेमोरेबल. अब सूटेबल फॉन्ट हो सकता है, सूटेबल यूज हो सकता है कि एक पोस्टर को बहुत ज्यादा यादगार और इफेक्टिव बना सकता है. अब कोई पोस्टर आपके दिमाग में अगर छपा हुआ है तो आप जरूर कोशिश करेंगे कि मैं वहां से कुछ ना कुछ ले लूं, या एटलीस्ट एक बार जाके देख कर आऊं, ठीक है. तो फुट वैल्यू इन जो फुट इन वैल्यू है वो बढ़ जाती है स्टोर्स की. Posters are dash to promote a brand. Use, uses, being used, used. तो यहाँ पे जो blank में के लिए verb है वो past participle में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि passive voice का use हुआ है. तो क्या होगा? Used to promote a brand और pass on information, pass on की जाती है, आगे भेजी जाती है, फैलाई जाती है, ठीक है. तो pass on option B is correct. They can be used for dash purposes. Little, varied, much, similar. थोड़े से purposes के लिए use किए जाते हैं, बहुत सारे purposes के लिए use किए जाते हैं, similar, एक जैसे purposes के लिए, बहुत विविध तरह के purposes के लिए use किए जाते हैं. तो यहाँ पे option B, varied, is correct. They usually include a picture, dash, very few words. Nor very few words and very few words yet very few words also. तो picture होती है और थोड़े से शब्द होते हैं, तो and आएगा ना, and very few words. A suitable dash makes a poster effective and memorable. A suitable caption, caption होता है उसके heading, title जो होता है, ठीक है. तो suitable caption, anticipation, anticipation मतलब प्रत्याशा. Quotation, quotation मतलब जो हम किसी बड़े व्यक्ति की कुछ कोटेशन दे देते हैं, उसने क्या शब्द कहे थे वो कोटेशन. कॉशन, कॉशन मतलब वार्निंग. तो यहाँ पे कैप्शन, हेडिंग की बात की जा रही है, टाइटल की बात करी जा रही है. सो ऑप्शन ए, कैप्शन इज करेक्ट, कि अगर उसमें सूटेबल कैप्शन दिया होगा तो वो बहुत ही यादगार रहता है और प्रभावशाली रहता है. दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.